ईदी लेने की तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन ईदी हमें मिली। अब इसको दस्तरखान लगाना है, सबको खाना खिलाना है। देखा मैंने प्रैंक किया और प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हुआ। सुकून से लेट कैसे गई है प्रैंक में? डिजाइन खूबसूरत है, ये देखें। आप इंडिया में कहाँ से हैं? हम राजस्थान से। चलिए अभी हम आ गए हैं टर्की। अभी हम यहाँ पर ये गेम खेलने लगे हैं। यहाँ पर जिंदगी खलास। मतलब बरकात हो। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज ईद का तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं रियाजुल जन्नत की ज़ियारत के लिए, जो कि हमारी नहीं हो सकी थी और अल्लाह का शुक्र है कि अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो अभी सब हम जा रहे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं। फिर 8:30 का टाइम है, 9 बजे हमें ज़ियारत पर पहुँचना है। तो बहुत खुशी हो रही है, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने खोल दिए। तो आप अप्लाई करो, देखो आपका हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जैसे ही रात में आके मैंने अप्लाई किया तो हमारा हो गया। और बाकी आप सब सुनाए, क्या हाल चाल है आप सबके? ईद कैसे गुजरे आप सबके? इतने दिनों से मैं कह रही थी मेरा दिल चाह रहा था, जब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम दिल से चाहते हैं, दिल से मांगते हैं अल्लाह पाक से, तो अल्लाह पाक जल्दी हमारी सुन लेता है। या रसूलल्लाह, बेशक अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के फरिश्ते हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, आप भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आते ही सब ने रोज़ा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार किए। और सामने देखें यहाँ पर ज़ियारत के लिए सब लोग जा रहे हैं और यहीं से हम जाते हैं अभी। इंशाल्लाह जल्दी से जल्द एंट्री हो जाएगी। यहाँ से हमने जाना है और फिर यूँ अंदर इंटर होके फिर ये देखें, ये जो सब जा रहे हैं ना लेडीज, इनकी तरह हमने भी अंदर जाना है। और मोना की खुशी चेक करें, ये भी बहुत खुश है ज़ियारत पे जाने के लिए। वैसे तो हम आते हैं मस्जिद नबी, लेकिन ज़ियारत किए हुए ना काफी टाइम हो गया सच में, और दिल भी बहुत कर रहा था कि ज़ियारत पर जाएं। और अभी तो इन्होंने ऐसा बना दिया ना कि एक साल में आप एक ही बार रियाजुल जन्नत की ज़ियारत कर सकते हैं। बस ये हमारे नसीब में थी, इसलिए अल्लाह पाक ने लिखा था, हमारा नसीब तो मिल गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे, यहाँ पर आ गया हमारा चेक पॉइंट अपॉइंटमेंट का, तो यहाँ पर चेकिंग होगी और फिर जैसे ही हमारा अपॉइंटमेंट देखेंगे फिर इंशाल्लाह यहाँ से हमें आगे जाने दिया जाएगा। चलिए अभी हम इंटर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एंट्री हो गई है। बस हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे भी जाहिर है जाके थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। सच में ऐसा लगता है कि आँखें तरस गई हैं रियाजुल जन्नत की ज़ियारत किए हुए। तकरीबन 6-7 माह तो हो ही गए हमने ज़ियारत नहीं की रियाजुल जन्नत की। और ये देखें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना हमारे करीब है ना, देखें यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने है माशाल्लाह तबारक रहमान। और सामने वहाँ पर देखें बाब जिब्राइल है। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए तो हमें यहाँ पे जमजम मिल गया, ठंडा ठंडा है माशाल्लाह। मैं इनका मामा फर्स्ट टाइम है, इतना ना खाली खाली दिख रहा है माशाल्लाह, क्योंकि वो ईद का टाइम है ना और सब लोग ज्यादातर लोग हज पर हैं। और अभी सिर्फ रिहायशी लोगों के लिए खोला है इन्होंने, पता है? क्योंकि पहले जब मैं छोटी थी यहाँ पे कुरान पढ़ने आती थी तो यहाँ पे बहुत रश होता था कोरोना से पहले ना, जब हम कुरान पढ़ने यहाँ पर आते थे ना तो यकीन करें डेली हमारी ज़ियारत हो जाती थी। और माशाल्लाह इस सुकून का जो लेवल है ना यहाँ पर, वो मैं बता नहीं सकती आप सबको। अभी हम सब यहाँ वेटिंग में हैं, काफ़ी लोग आगे हैं अंदर, उनको निकालेंगे फिर हम जाएंगे। और यहाँ से मैं आप सबको दिखा रही हूँ गुम्बद खदरा, ये देखें यहाँ से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है ये, और बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आजान होती है, जो खुतबा होता है ना यहीं पर होता है। देखो आज हम इतनी करीब आकर हमने नमाज पढ़ी है। यहाँ पर ये मेहराब है माशाल्लाह, और यहाँ पर ये मिंबर है माशाल्लाह से, ये देखें यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक अलवादुल अमीन। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के कितने पक्के और कितने सच्चे थे, सादिक अमानत भी लोग उनके पास रखते थे। और वादे के बारे में भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं कि किस तरह से वादा निभाते थे माशाल्लाह। और सच में आज
हमारी ज़्यारत इतनी खूबसूरत हुई है, इतनी खूबसूरत हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और बहुत सारी दुआएं की हैं अपने लिए और आप सबके लिए भी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको ये सादत नसीब फरमाए। ये देखें बिल्कुल घर सामने हमारे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा मैं कोशिश करती थी कभी मुलाकात हो जाए, आज होगी। मेरी अम्मी अंदर नहीं है तो मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ। अच्छा जी, ये मोना हो गई है लेकिन इनकी चप्पल गुम हो गई है। बगैर जूतों के ये आ गए गाड़ी में और बस अभी हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम पहुंच गए घर, हवा चल रही है लेकिन घर भी सफाई। मैं भी गाजरें कट कर रही हूँ तो यहाँ से अंदाजा हो गया होगा आप सबको कि मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ रोज़ बुखारी अफगानी पुलाव बना रही हूँ। हमारे सारे घर वालों को बहुत पसंद है और स्पेशल ईद पे तो हमारे घर पे बनता ही बनता है। यहाँ पर देखे मैंने काफ़ी सारी कट कर ली है और आराम आराम से कट कर रही हूँ। बस थोड़ा इनको कट मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं कटती। गाजर और किशमिश बनकर तैयार हो गया अफगानी पुलाव के लिए। और यहाँ पर देखिए मटन भी हमारा तैयार है, मटन के साथ साथ चावल भी बॉयल हो चुके हैं। मलाक नहा के तैयार हो गई है। मलाक वो देखो अब्बू बुला रहे हैं, आपको अब्बू बुला रहे हैं। जाओ अब इसको दस्तरखान लगाना है, सबको खाना खिलाना है। इस बच्ची ने हानिया ने ये ड्रेस पहन ली है, मुस्तफ़ा ने वही काल वाली ड्रेस अपनी दोबारा से पहन ली है। सारे देखे यहाँ पर फ्रेश होके नहा धो के कपड़े पहन के तैयार हैं। मलाक ने अभी परफ्यूम लगाना है ना। बस कैसे ऊपर करती कि मुझे यहाँ पे लगाना है, पता है कि यहाँ पे लगाना है परफ्यूम आपने। हाँ बस लग गया। अब यहाँ पे ईदी का चक्कर है, कौन देगा ईदी? हाँ बस दे, आप दे सबको। अभी जो हमला होने वाला है सब देख गिरा हुआ है, सब आए हुए हैं। मैं भी आई हुई हूँ। बस क्या है कि मैं अभी चावलों को मैंने दम पर रख दिया है, हम इंतजार करेंगे जैसे ही चावल बनते फिर खाना खाते हैं। लेकिन उससे पहले हम सबको ईदी चाहिए, हम सब ने ईदी लेनी है इनसे। अबू मुझे भी देंगे फिर मैं आपको। मैं देता था अभी अभी आपकी बारी है सबको देने की। ये कह रही चलो मेरे साथ बाहर चलो, ईदी ढूंढ रही है, ईदी कहाँ पे। ईदी लेने की तो हमने बहुत कोशिश की लेकिन ईदी हमें मिली नहीं है। बस फिर मैंने कहा बस अब खाना खा के पेट भरते हैं। तो बस अभी हमने जो मजेदार सा अफगानी पुलाव बनाया है इसको मैं करने लगी हूँ मिक्स अच्छे तरीके से। देखिए अभी भी मेरे पीछे शोर चल रहा है, आप सब सुन रहे होंगे, ये सारा ईदी का शोर चल रहा है कि ईदी चाहिए हम सबको। इसको मिक्स करने में भी काफी टाइम लग जाता है लेकिन खुशबू माशाल्लाह इतनी मजे की आ रही है, इतना लजीज लग रहा है ना मुझे ये। जी मम्मा लगी, बस अभी आ रहे हैं, अभी दस्तरखान लगाती हूँ, मेरे बच्चे ने खाना खाना है। हाँ जी क्या चाहिए आपको? मलाक ये लो। अच्छा डराने के लिए, हम तो डर गए। अच्छा यार तुमने देखा मैंने प्रैंक किया और प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्रैंक गॉन रॉन्ग। चाहे अंधेरे में भी आ जाओ मैं आपको पहचान लूंगी कि ये मेरा मुस्तफा है। हाँ चलो मुझे ट्राई करो ठीक है, इन्हें बोलो कॉल पे बोलो सलमा यासीन नीचे आ जाए, फिर ये नीचे आएंगी सारा मुंह पे ब्लैक मेकअप करके एक पूरा व्हाइट या ब्लैक ड्रेस पहन के बोलना करना जोर का रात के 1 या 2 बजे। अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेकर बाहर थोड़ा घुमाने के लिए। बच्चों के दिमाग में ना एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक बाहर नहीं जाएं झूलों पे ना जाएं
कहीं पर उनकी इंजॉयमेंट ना हो तो उन्हें लगता है कि ईद हुई ही नहीं है। दो दिन से हमें यही कह रहे थे, मैंने कहा ठीक है आज हम चलेंगे, और आज नायला भी अपने बच्चों को लेकर गई हुई है तो बस मैं भी इनको लेकर वहीं पर जा रही हूँ, चलें इनके तरीके से ईद मना के। मैंने कहा चलें दो दिन हमारे तरीके से ईद होगी, अब एक दिन लास्ट डे जो है हमारा वो इनके तरीके से हम ईद का मना लेते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं और इस साइड पे ना हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली। चलिए अभी हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे जहाँ पे हमने आना था, और यहाँ पर काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह देखते हैं अभी। और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय करना है, बच्चों के साथ साथ मैं भी देखूंगी और आप सबको भी दिखाऊंगी। पहले पहले तो आप ये देखें, मुस्तफा जाके इसकी पिक्चर ले रहा था। क्या हुआ, पापा चले गए? पापा आपकी प्रेम लेने के लिए गए हुए हैं। हम अभी खड़े होकर यहीं पे वेट करें, हस्बैंड चले गए मलाक की प्रेम लेने के लिए। पहले हमारे दिमाग से निकल गया मलाक की प्रेम, हमें निकाली नहीं है गाड़ी से। जैसे आते हैं फिर अंदर जाते हैं और फिर नाया को भी ढूंढते हैं। मलाक की प्रेम आ गई है और ये सुकून से लेट कैसे गई है प्रेम में। अच्छा लग रहा है हाँ आपको? अभी हम इंटर हो गए हैं और यहाँ से देखें यहीं से बस अब शुरुआत हो गई है बच्चों के झूलों की, और भी काफी सारी चीजें हैं जो भी हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमने एंट्री की टिकट भर के एंटर हो गए हैं। हाँ जी करके रखे हुए हैं माशाल्लाह से, ये देखें। लेकिन है एक्सपेंसिव, एक छोटा सा यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला हमने पूछा है तो ये हमें बता रहे हैं यूँ समझिए 100 रियाल का है। हाँ सब में फिश है, ये देखो इसमें भी है। अरे आप खेल तो लो, बहुत खूबसूरत शॉप है ये देखें माशाल्लाह, या अल्लाह बहुत प्यारे हैं यहाँ पे प्लांट देखें। ये वाले देखो कितने खूबसूरत है ये वाले। इस तरह के ना हमेशा मैं इस तरह के प्लांट हमेशा मैं स्क्रीन पे देखती रहती हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, इंडियन पाकिस्तानी? इंडियन मतलब हिंदी? हाँ हिंदी बोलती हैं आप? उसको उर्दू बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, लेकिन मैं तो जो हिंदी बोलता खुश हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं आता हाँ मैं फिर दूसरे को बुलाती हूँ, अगली में बात करता है। अच्छा अच्छा, तो सुनाए कैसी हो रही खरीदारी यहाँ पे? अच्छा, तो आप स्पेशली इसकी इस इवेंट के लिए आई हैं इंडिया से? खूबसूरत लग रहा है ये तो मुझे, और बाकियों के नस्बत इसकी प्राइस भी कम है, कलर भी प्यारा है इसका। कौन सा प्यारा है, ये वाला ये वाला? दोनों अपनी अपनी जगह पे प्यारे हैं, ऐसा लगता है ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, वो भी पहनने में लगेगा। यहाँ पर काफी चीजें हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं, अभी हम आगे जाते हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं। अरे इस साइड पे चलते हैं, ये कहाँ से? हैदराबाद से? ऐसा ये हैदराबादी लुक है, पूछो हैदराबाद से ये। और यहाँ पर देखें इंडियन ज्वेलरी माशाल्लाह, पायल यहाँ पर इतनी खूबसूरत पायल है यहाँ पे, ये वाली कितनी प्यारी है देखें, ये वाली पायल देखें कितनी प्यारी है, प्यारी है ना? ले दे मुझे एक पायल तो ले दे यहाँ से ईद का गिफ्ट। अभी मेरी सिस्टर से पूछते हैं कि कितने की है, कितने की है ये? 50 रुपये।
अच्छा 30 रियाल की एक है और 50 रियाल की दो मिलेंगी हमें यहाँ से। अच्छा अभी हम देखते हैं कि इनमें से ना और भी कोई अगर खूबसूरत कलर है ना तो वो हम ले लेते हैं यहाँ से। वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत है, देखें ये वाली डिज़ाइन खूबसूरत है, ये देखें डिज़ाइन की बात कर रही हूँ। तमन्ना भी देख रही है वहाँ से, अगर तमन्ना को कोई पसंद आ जाता है तो। और यहाँ पर देखिए ये झुमके भी बहुत खूबसूरत, देखो यहाँ से पायल, देखो मुझे ये वाली पसंद आई, ये वाली देखो, ये प्यारी है ना, लेकिन थोड़ी हैवी है। आप इंडिया में कहाँ से हैं? हम राजस्थान से इंडिया। अच्छा राजस्थान से है माशाल्लाह, ये वाली देखिए तो मिल जाएगी आपको। चलें बस फिर ये वाली दे रहे, ये ऐसे इंडिया की पायल मैंने ले ली है यहाँ पर, देखिए मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली देखे। और ये हस्बैंड की तरफ से ना मेरा ईद का गिफ्ट हो गया, इंडिया की पायल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये, देखिए घुंगरू वाली चाहिए या वैसी वाली चाहिए? आपने लेनी है? हानिया इसका नाम है, ये हानिया है, ये उसकी आ जाए, ये बहुत प्यारी है। मेहंदी भी बेच रही हैं आप? हाँ ले लो 5 रियाल की, देख रहे हैं कलर बहुत अच्छा मैडम इसका। ये चीज़ है कि हर कंट्री से ना बंदा आया हुआ है, उसने अपने स्टॉल लगाया यहाँ पे। और ये सिस्टर देखें अफ्रीका से आई हुई, यहाँ वेस्ट अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से आई हुई। और यहाँ पर देखें इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया है, ये ट्रेडिशनल लुक है इनका, इनके ये जो ड्रेसेज हैं ये सारे सारे हाथ के बने हुए, देखो पर इतने सारे बैग ही बैग हैं माशाल्लाह। अब बच्चे मुझे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे झूले झूलने आए थे या क्या करने आए थे, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कह रही हूँ कि सारे जितने भी कंट्रीज ने यहाँ पर शॉपिंग, यहाँ पर उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए ना, मैं सबको एक्सप्लोर करूँ और आप सबके साथ भी ना अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सच में इतना अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया की पायल लेके। सामने ना टर्की का भी है, चलें जी अभी हम आ गए हैं टर्की, मैं टर्की जा रही हूँ। सच में मेरा एक ये बहुत बड़ा ख्वाब है टर्की, टर्की जाने का। हाँ टर्की देखिए स्वीट्स है यहाँ पर माशाल्लाह, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ये सारी ज्वेलरी है, ये भी टर्किश ज्वेलरी होगी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा दिन में हम आते ना तो यहाँ पर अलग ही एक व्यू होता, लेकिन अभी हम रात में आए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। टर्की की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, कोई इतना मुझे लगाव है, इतनी मोहब्बत है ना कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी मोहब्बत है।
बड़ा मजा आ रहा है, इतनी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए माशाल्लाह। एक जगह से निकलते हैं हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और चीजें इतनी हैं यहाँ पर, झूले खाने पीने की चीजें हो गई यहाँ पर, इतना यहाँ पर एंटरटेनमेंट का माहौल बना हुआ है सच में। चीजें भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पर माशाल्लाह, ये देखें। एक जगह से निकलते हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह निकलते हैं तो तीसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी यूँ समझे कि काफ़ी काफ़ी नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर माशाल्लाह। और अभी हम आ गए हैं खलीज वाली साइड पर, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ऐसे ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो हमें पायल मिली है वो तो खैर नहीं मिलती, और जिनको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उनको जाके मैं पहनूँगी घर इंशाल्लाह। वही वही गिरने वाली थी मैजिक के चक्कर में, यहाँ पर सामने मैजिक हो रहा है, मैजिक भी बच्चों ने देखकर एंजॉय किया है बड़ा। अभी हम यहाँ पर ये गेम खेलने लगे हैं, यहाँ पर हमें 6 रिंग मिलेंगे और 6 रिंग वहाँ पर हमने फेंकने हैं, अगर एक रिंग भी वहाँ पर चला गया ना, किसी एक वहाँ पर कील लगे हैं छोटे छोटे उनमें चला गया, तो यहाँ से हम कोई भी एक ले सकते हैं, जिस तरह से नायला ने एक लिया हुआ है। नायला ऑलरेडी जीत चुकी है, पर हम भी अभी ये करने वाले, देखते हैं क्या है भी से हमारा नसीब है कि नहीं है। मुझे तो ये वाला प्यारा लग रहा है, ये वाला, ये भी प्यारा है। क्या कह रही हो? होगा मेरा घर जीत के, तो क्योंकि मैंने कहा पहले से अभी कोई जीता है नहीं, और ये मुझे कह रही है कि मेरा होगा अगर जीत गए तो। पीछे हो जाओ, ये नहीं करेगा। क्या हुआ आपको, मजा नहीं आ रहा? एक टिकट। आपने एक टिकट ली आपके लिए? एक नहीं है, दो हैं। चलो मुस्तफा जा रहा है, इसके ऊपर मैंने मना भी किया है कि इसके ऊपर ना जाओ, इतने दूर से इतना खतरनाक लगता है ये, बिल्कुल ऐसे बंदा इसमें उल्टा हो जाता है, लेकिन बस जिद करे कि नहीं मुझे इसमें जाना है। तमन्ना जा रही है, अब तमन्ना ने जाना है, तमन्ना चली तो गई है, अब अल्लाह खैर करे। नायलो को बहुत कन्विंस किया लेकिन नायलो ने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगी सच में। हाँ तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है सच में। पता नहीं मैं यहाँ पे खड़े खड़े, या अल्लाह बिल्कुल उल्टा उल्टे हो जाते हैं पाँव पाँव ऊपर सर नीचे। आज मुस्तफा ने फुल एंजॉय करके जाना है, यहाँ से अभी हटा है इस वाले से, अब इस वाले पे जा रहा है। एक ही तो लिया था, अब ये 3 लूंगा, तो ये दूसरा। और हम बैठे यहाँ पर, लेकिन ये ऐसे ही हल्का
थी इनके साथ। चलें भी, जन्नत की और हानिया की बारी आ गई है और इनको हम बिठा रहे हैं इस वाले पे। डर लग रहा है, जन्नत है ना, अब्दुल्ला है ना। बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया, सच में इतना अच्छा लगा है। लास्ट में जो मैं बैठी हूँ नायला के साथ और तमन्ना और मुस्तफा के साथ ना, सबसे बेस्ट वो वाला था कि मैंने फुल इंजॉय किया उसको और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी ईद तो होनी नहीं थी झूलों के बगैर, तो बस अब ये कि खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा बस चले, और वैसे भी मैं थक भी गई हूँ। चलते चलते ना काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, इतना बड़ा है माशाल्लाह, तो अब तो मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा है बस। और हम पहुँच गए अभी मेन डोर के पास, यहाँ से बाहर एग्जिट ले रहे हैं हम सारे सारे। मुस्तफा खुश हो आप? हानिया आप खुश हो? और मलाह को तो बेचारी बैठी रही है प्रेम में, बस प्रेम में ही खुश है वो। ये सामने चांद इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये कैमरे में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मुझे गन मारनी थी। गन मारनी थी तो क्यों नहीं मारी गन फिर? क्या बोला था आपने? क्या बोला था मैंने? गन कहाँ पे थी? लगी हुई थी, वो ऐसे बलून को फाड़ना होता है गन्स के साथ। अच्छा, गन्स के साथ बलून को फाड़ना था, मुझे पता ही नहीं है। कब बोला आपने मुझे? सच में मुझे याद नहीं है हानिया। मैंने आपको बोला पता नहीं, फिर शायद मैंने सुना नहीं होगा।